जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेहोशी के कारणों के बारे में। बेहोशी किस वजह से आ जाती है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण आपको देखने को मिले तो आपको हॉस्पिटल रश करना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद करती है आपको इस तरह की प्रॉब्लम में इंस्टेंट रिजल्ट दिलाने में। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बेहोशी आने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। मेंटल कॉज हो सकता है, फिजिकल कॉज हो सकता है। मेंटल कॉज में किसी भी तरह का डर है, भय है, फियर है, किसी भी तरह का इमोशनल डिस्टरबेंस है, दुख है, पुराना दुख है या नया दुख है, अचानक सडन कोई आपको शॉक न्यूज मिल जाती है, या फिर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा तनाव में है, किसी भी तरह का आपने लॉस झेला है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे फैमिली में किसी तरह का लॉस हो, उसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव हमेशा बना रहता है, नींद आपको नहीं आई है, तो हो सकता है कि बेहोशी हो जाए। फिजिकल कॉज में अगर फ्लूड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, या आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, स्पेशली लो बीपी जैसी प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बेहोशी आने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसके आसपास खुली हवा होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए आसपास, और कपड़े जो है उसके ढीले कर देने चाहिए ताकि वो आसानी से सांस ले सके। पल्स रेट जो है वो 70-80 के बीच में है या नहीं आप मेजर कर सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कैसा है ये भी देख सकते हैं। इसके बाद पानी के छींटे देके रोगी को होश में लाया जा सकता है। लेकिन होम्योपैथी जो है इस कंडीशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। पर्सन किस वजह से बेहोश हुआ है उसकी चिकित्सा जरूर की जानी चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में बेहोशी को ठीक करने के लिए सबसे जो ज्यादा यूज की जाती है मेडिसिन, और जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है विदाउट सिम्टम सिमिलिटी भी, जिसको आप दे सकते हैं, उस मेडिसिन का नाम है कैम्फर क्यू। इसको जिसको हम कपूर भी बोलते हैं, होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर बनाया जाता है और कैम्फर क्यू उसका नाम है। तो इसको आपको क्या करना है, रुमाल में या किसी रुई में किसी में भी लेके आप रोगी को सुंगा सकते हैं, इससे होश जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स पता है और सिम्टम सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग अगर आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो न केवल वो जल्दी होश में आ जाता है, बल्कि बेहोशी के कारण जो उसके अंदर बेहोशी के साथ जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हुई है, पल्स रेट हो गई है या कोई वीकनेस आई है या पसीना ज्यादा हो गया या बॉडी ठंडी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और जो बेहोशी के जो भी साइड इफेक्ट्स है उसे रोगी मुक्त हो सकता है। तो इसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिंस बताती हूँ। आप देखिएगा कौन सा सिम्टम मिलता है पेशेंट से और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन कैम्फर क्यू जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको आपको सुंगाना है, कितनी भी बार सुंगा सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आप बार बार रोगी को ये मेडिसिन सुंगा सकते हैं। दूसरी मेडिसिन दोस्तों है कैमोमिला 200। यदि कोई पर्सन है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और बहुत ज्यादा गुस्से के कारण गुस्सा करने के बाद या गुस्सा अंदर दबाने के कारण उसको बेहोशी आ गई, तो कैमोमिला 200 की आप 3 खुराकें दीजिए 10-10 मिनट के फासले पे। तो जो न केवल पर्सन बेहोशी से नॉर्मल हो जाएगा, होश में आ जाएगा, बल्कि जो उसको गुस्सा आ रहा था और गुस्से के कारण जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई थी वो सब भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई सडन न्यूज आती है धोखे वाली या किसी भी तरह की शॉकिंग न्यूज, दुख वाली, ग्रीफ, सडन किसी भी फैमिली मेंबर का लॉस हो गया है, इस तरह का अगर आप किसी के साथ कुछ होता है और वो बेहोश हो जाता है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है दोस्तों इग्निशिया 200। इसकी 3 खुराकें 5-5 मिनट के फासले पर आप ले सकते हैं। न केवल पर्सन होश में आ जाएगा बल्कि अंदर जो उसका इस तरह का एकदम से दुख बना है उसमें भी उसको ईज होने में थोड़ी मदद मिलेगी। रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहिए। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि और मुझे आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट 30। ये मेडिसिन उस कंडीशन में लेनी है जब सडन किसी तरह के फियर के कारण सडन एकदम पर्सन बहुत तेज डर गया है और उसकी वजह से उसको बेहोशी हो गई है। इसकी 3 खुराकें 5-5 मिनट के फासले पे आप दे सकते हैं, पर्सन होश में आ जाएगा। फिर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप इसको दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं और 3 दिन तक दे सकते हैं।
एक और स्थिति आती है दोस्तों, जब पर्सन का फ्लूड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे वो उल्टी दस्त हो, चाहे मेंसेस के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और उसके कारण फ्लूड लॉस हो गया, चोट लगी है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उसके बाद अगर पर्सन बेहोश हो गया, तो चाइना ठट्टी जो है वो दो दो बूंद करके हर आधे घंटे में आप तब तक देते रहिए जब तक कि पर्सन को थोड़ा सा अच्छा फील ना होने लग जाए। होश तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब तक उसको अच्छा ना लगने लग जाए, उससे जो कमजोरी आई है वो अच्छी, वो सही नहीं लगने लग जाए, तब तक आप उसको आधे आधे घंटे के गैप में रिपीट करते रहिए। बहुत जल्दी पर्सन को आराम हो जाएगा और जो फ्लूड लॉस के कारण जो वीकनेस आई है, जो मिनरल लॉस हुआ है, वो भी काफ़ी कुछ मेडिसिन ठीक कर देगी। स्थिति आती है दोस्तों जब बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को जागना पड़ा हो, पूरी रात जाग गए हो, किसी हॉस्पिटल में स्टे किया है और किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं और पूरी रात जागे और फिर अचानक बेहोशी आ जाती है और चक्कर खा के अगर कोई पर्सन गिर जाता है, तो नक्स वोमिका ठट्टी जो है उसकी दो दो बूंद आप हर दो तीन घंटे में उस पर्सन को दे सकते हैं। न केवल बेहोशी से होश में आ जाएगा पर्सन, बल्कि नींद नहीं आने के कारण जो उसके जो भी तकलीफें हो रही थी वो सारी तकलीफें भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक और स्थिति आती है दोस्तों, जब बहुत तेज पेन हुआ हो, भले ही वो चोट लगी हो, चाहे वो पेन फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, अगर बहुत तेज पेन के कारण कोई पर्सन बेहोश हो जाता है या बहुत ज़्यादा खुशी के कारण कोई बेहोश हो जाता है, तो कोफिया 200 की 3 से 4 खुराकें आप उसको दे सकते हैं। न केवल उसको समस्या जो हो रही है तेज दर्द उसमें राहत मिलेगी, बल्कि जो बेहोशी आई वो भी ठीक हो जाएगी। कि दोस्तों मैंने कुछ लक्षण बताया, उसके अकॉर्डिंग आप पर्सन को मेडिसिन दे सकते हैं और उसको होश में ला सकते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स आए हैं उसको भी दूर कर सकते हैं। लो बीपी के कारण अगर किसी पर्सन को बेहोशी आई है तो नमक और शक्कर का घोल आप जरूर दीजिएगा, अगर शुगर है तो सिर्फ नमक का घोल दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, नींबू का पानी दे सकते हैं नमक मिला के, बटर मिल्क में आप नमक मिला के दे सकते हैं, लो बीपी भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और पर्सन को जो बार बार बेहोशी होने की टेंडेंसी है उसमें राहत मिलेगी। हालांकि लो बीपी की भी काफी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो भी आप उनको दे सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज देती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।